हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसान कर्ज माफी योजना 2020 के बारे में, जिसको लेकर सरकार ने घोषणा कर दिए और सरकार ने सभी किसानों को तोहफा दे दिया है, क्योंकि कर्ज माफी की प्रक्रिया को सरकार ने शुरू कर दिया और 29 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार ने माफ कर दिया है, जिसके बाद में सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी किसानों को सरकार की सौगात मिल चुकी है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपका किसान कर्ज माफी योजना 2020 के तहत सरकार कब तक कर्ज माफ करेगी। तो यदि आप ये संपूर्ण जानकारी किसान कर्ज माफी योजना 2020 के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी आपके काम कर किसान कर्ज माफी के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं किसान कर्ज माफी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी और आपको बताते हैं कि आपका सरकार कब तक कर्ज माफ करेगी। तो किसान कर्ज माफी योजना 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर महाराष्ट्र के 29,50,000 किसानों को 18,980 करोड़ रुपए की यहां पर कर्ज माफी का फायदा मिल चुका है। और ये बात कही है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने, जिसके बाद में सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र प्रदेश के सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ होने वाला और सभी किसानों को तरह से कर्ज से आजादी मिलने वाली है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत 29,50,000 किसानों को 18,980 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का फायदा दे दिया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रालय में जो है 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में यह जानकारी दी, जिसके बाद में सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी किसानों को सरकार की सौगात मिल चुकी है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के लिए जय जवान जय किसान जय कामगार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जवानों किसानों और कामगारों को 7 लाख हम स्वराज्य का रूपांतरण सुराज्य में करेंगे और किसानों को खुद के पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और इसलिए अब बाजार में जो बिकेगा उसी की खेती किसान करेंगे और किसान उसी फसल को उगाएंगे, जिसके बाद में किसान की खेती में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और किसान खुशहाल बनेगा। ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान बात कही। और इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब तक जो भी यहां पर कर्ज माफी किसानों की देखने को मिली है, उसकी सूची हमने जो है महाराष्ट्र की किसान कर्ज माफी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी, और वहां पर जाकर आप किसान कर्ज माफी की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हो और यहां पर किसान कर्ज माफी योजना 2020 का फायदा उठा सकते हो। और दोस्तों, यदि आपके कर्ज माफी की बात करें तो दोस्तों सरकार की तरफ से जैसी जानकारी मिली है उसके अनुसार अगले 2 महीने के भीतर आप सभी का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और आप सभी को कर्ज से निजात मिल जाएगी। तो इस सब प्रकार से ये महाराष्ट्र की किसान कर्ज माफी योजना 2020 के बारे में आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई थी। तो दोस्तों, यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी मिल जाए और वह भी कर्ज माफी का फायदा उठा ले। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।